नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, खेसारी लाल यादव का एक गाना फिर से किया गया ब्लास्ट। एक तो मुझे क्लियर पता है और मुझे नहीं पता और भी गाने किए गए होंगे ब्लास्ट, जो कि पुराने गाने हैं। पुराने का मतलब इतना भी पुराना नहीं है, 1 साल के अंदर का ही गाना है, 9-10 महीने पुराना गाना आप सुने होंगे। उस गाने का नाम है जार लागता। आप स्क्रीन पर उसका पोस्टर देख सकते हैं। यही गाना था। आप लोग इस गाने को तो बहुत बार सुने होंगे, काफी मजेदार गाना था और काफी जल्दी काफी ज्यादा व्यूज भी इस पे आ गए थे। लगभग इस समय 60 मिलियन के आसपास व्यूज इस गाने पे हो चुके थे। अब इस गाने का आपको मैं दिखा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर ये गाना रिलीज किया गया, तो वहां पर इसका आइडियो सॉन्ग तो है। आइडियो सॉन्ग पे कोई ग्लोबल म्यूजिक क्लेम नहीं, लेकिन वीडियो पे ग्लोबल म्यूजिक क्लेम लगा करके उस गाने को कर दिया गया, यूट्यूब से हटा दिया गया, यानी कॉपीराइट क्लेम दे करके यूट्यूब से हटा दिया गया। आप सर्च करिए ब्लू बेटा भोजपुरी फिल्म चैनल जो है, उस पे जाइए, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको ये गाना कहीं पे नहीं मिलेगा। ये कब हटाया गया कॉपीराइट क्लेम दे करके या फिर प्राइवेट किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब सर्च किया ब्लू बेटा फिल्म पर यह गाना, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इस गाने का ऑडियो वर्जन मिला, वीडियो सॉन्ग कर दिया गया डिलीट। तो खेसारी लाल यादव के अब नए गानों पे नहीं बल्कि पुराने गानों पे किया जा रहा है ग्लोबल म्यूजिक कॉपीराइट क्लेम देकर के वीडियो को डिलीट। तो आप समझ सकते हैं इस समय खेसारी लाल यादव का जो ट्रेंडिंग स्टार का जलवा था, उसको जबरदस्ती गिराया जा रहा है, यानी कि खेसारी लाल को इस समय इस सुपरस्टार से सिर्फ स्टार बना दिया जा रहा है, एक मामूली इंसान। लेकिन आप हम सब खेसारी लाल यादव को अगर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे तो कॉपीराइट क्लेम लगने से या फिर वीडियो डिलीट होने से क्या फर्क पड़ता है। और आ रहा है कल एक और खेसारी लाल यादव का गाना, आप इंजॉय कीजिए। सारे गामा हम भोजपुरी चैनल पर है, वो भी काफी ज्यादा बड़ा लेवल का गाना है और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा व्यूज उस पे आ गए थे, उसके ट्रेजर पे ही, और ट्रेंडिंग में भी रैंक किया है उसका ट्रेजर। तो तैयार रहिएगा। और कॉपीराइट क्लेम तो आप जानते हैं, अब ग्लोबल म्यूजिक के साथ कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन जो लोग इसकी साजिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी को पैसा कमाने का हक है तो उनको मिलना ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा मेरी तरफ से अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक और साथ में चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।